हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी की रेसिपी। तो यहाँ मैं लेती हूँ दो प्याज, दो टमाटर, दो लौंग, दो इलायची, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 5 से 7 काजू और 2 हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने इन सब्जियों को मोटा मोटा काट लिया है और एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के 1 से 2 मिनट तक मैं इनको पका लूँगी। और लौंग और इलायची को मैं 10 से 15 सेकंड में ही निकाल लूँगी क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती हैं वो। और इन बाकी चीज़ों को मैं बार बार हिलाती रहूँगी वरना ये टमाटर की वजह से नीचे लग जाते हैं। यहाँ दूसरे गैस पे मैं एक पतीले में थोड़ा पानी डाल के हरे मटर को थोड़ा सा उबालने के लिए रख रही हूँ 2 से 3 मिनट तक, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और इधर ये मसाला मेरा पक चुका है और मैं मिक्सर जार में लेके इनका पेस्ट बना लूँगी। या मैं वापस से सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और अब इसके अंदर मैं मेथी डाल दूँगी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मेथी का कड़वापन निकल जाए, वरना मेथी बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। और इसको अच्छे से मिलाते रहिए धीरे धीरे करके। ये देखिए, एक बार तो मेरी कढ़ाई बिल्कुल भर गई है, लेकिन धीरे धीरे से ये नीचे बैठने लग जाएगी। और 4 से 5 मिनट तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और इधर मेरा ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हिला के एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये अच्छे से बन चुका है, मेथी भी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इधर मेथी को मैं उसी जार में डाल के इसका भी पेस्ट बना लूँगी। इधर मेथी को पीस कर मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए, मुझे 2 से 3 बार में पीसना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये मिक्सी का जार छोटा है। आप बड़ा जार ले सकते हो, मेरे पास नहीं था। वापस से फिर मैं वही कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के या थोड़ा सा जीरा, तब तक मेरा जीरा होता है तो इसके अंदर मैं वो मसाला डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। इधर मसाले को लगातार हिलाते रहे वरना काजू डाल रखे हैं, काजू जिस सब्ज़ी में डाल देते हैं वो नीचे चिपक जाती है। और यहाँ मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया और इसको लगातार चलाती रहूँगी, हिलाते रहे इसको नीचे चिपकने ना दें। यहाँ मैं डालती हूँ थोड़ी सी हल्दी
अपने सूखे मसाले, थोड़ा धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं है, कलर कलर के लिए बस। और इसको अच्छे से मिला लें। ये थोड़ा सा गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच। और इसको अच्छे से मिलाते रहे। ये मैंने डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मेथी की तो सब्जी है ही ये, लेकिन कसूरी मेथी का अपना ही स्वाद होता है, एक आप चाहे तो डाल सकते हैं, हमें अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और इसको लगातार चलाते रहिए। मसाला मेरा लगभग पक चुका है। यहाँ इस स्टेज पे आके गैस को मैं सिम पे कर दूँगी और इसको धीरे धीरे से पकने दूँगी, चलाते रहे लगातार बस। ये यहाँ पे मसाला मेरा पक चुका है, साइड से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने, और अब इस स्टेज पर आके मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़ी कटोरी मलाई, ये ताज़े दूध की मलाई है, और इसको अच्छे से फेंट लें पहले, फिर इसके अंदर डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। गैस को सिम पे रखें वरना ये मसाले में फट जाती है, और लगातार चलाते रहे, बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसके अंदर, चलाते रहे लगातार। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मटर मैंने उबाल के रखे हुए थे वो, और इसको अच्छे से मिला दूंगी। कितना प्यारा कलर आया, एक बार ट्राई जरूर करना इस रेसिपी को, क्योंकि तब तक बना के नहीं खाओगे तब तक स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ मेथी जिसका मैंने पेस्ट बनाया था, ये कुछ ज़्यादा था इसलिए मैंने ये कुछ रख लिया, इसको और कहीं यूज कर लेंगे, और इसको अच्छे से मिला देंगे, और 4 से 5 मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी सिम गैस पर, अच्छे से मिलाते रहिए, इसको अच्छे से मिलाते रहिए 5 से 7 मिनट तक इसको पकने दें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।